मैंने ऋतिक से ये सीखा है कि चाहे फिल्म कितनी भी सक्सेसफुल हो या ना हो, वो आपको एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, एज एन एक्टर। आई एम कमिंग टू यू। जी सर। आई कैन सी ओवर योर स्पार्कलिंग, योर ब्लशिंग एंड एवरीथिंग। आई जस्ट वांट टू सी हाउ व्हाट सक्सेस मींस टू यू नाउ। सर, वो सक्सेस मतलब सक्सेस फेलियर जो भी है, मैं मुझे क्या इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा लगता है वो ये है कि जब थिएटर से ऑडियंस निकले तो उनके चेहरों पर वो वाव का वाला इफ़ेक्ट हो। तो आई एम रियली हैप्पी कि ये जो तेलुगू में फिल्म हमने बनाई है वो इतनी अच्छी बनी है कि हिंदी में लोग देखना चाहते थे, और एक महीने बाद हमने डब करा। और इस स्टेज पर जहाँ पे ज़्यादा फिल्में नहीं चल रही है और लोग देखने आ रहे हैं, और बकायदा वो मुझे ट्वीट पर वो बोल रहे थे कि दिस इज़ अनफेयर कि हम हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए ये फिल्म हिंदी में नहीं बन रही है। तो वो सारे डिसीजंस, वो सारे ओपिनियंस को मायने रखकर हम लोग ने 3 दिन में इस फिल्म का डबिंग ख़त्म किया है। मैं इनफैक्ट अमेरिका में थी और मुझे लगा कि बनता है। टॉकिंग अबाउट सक्सेस, मैंने ऋतिक से ये सीखा है कि चाहे फिल्म कितनी भी सक्सेसफुल हो या ना हो, वो आपको एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, एज एन एक्टर अफेक्ट नहीं करना चाहिए। येस, यू ब्लश, यू फील हैप्पी दैट आपका काम लोगों तक पहुंच रहा है, आपको, क्योंकि हर कलाकार को यही चाहिए होता है कि उनका काम लोगों तक पहुंचे और उनको वो प्रशंसा मिले और वो वैलिडिटी मिले, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो जो कैरेक्टर जिसमें उन्होंने इतनी जान छिड़की है, जितनी मेहनत करी है, उनको मेरा अवार्ड यही है बस, दिस इज़ माय अवार्ड। जहाँ लोग मुझे बस कहे कि आपने सीता महालक्ष्मी का कैरेक्टर में बहुत अच्छे से निभाया है।